सकते हैं राकेश टिकैत के साथ। और गिरफ्तारी से पहले किन्नरों का समर्थन राकेश टिकैत को दिया जा रहा है, आपस में उलझे हुए हैं और ये दिल्ली कूच की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा सामने है, आप ये देखिए, ये प्रतीकात्मक अभी शुरुआत में जो समझ में आ रहा है, एक तरह से प्रतीकात्मक प्रदर्शन है अभी। आप ये लाइव देख सकते हैं कि ये यूपी और दिल्ली को कनेक्ट करने वाली रोड है और किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के समर्थकों ने ये रोड पूरी तरीके से जाम कर दी है। और जब तक न्याय नहीं तब तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार रोड के विजुअल्स दिखाएं कि किस तरीके से इस दिल्ली बॉर्डर को घेर दिया गया है। और जब तक न्याय नहीं तब तक बैठने का एक तरीके से प्रशासन को खुली चेतावनी दी गई है। बहुत माहौल उलझन का है। और ये कहाँ से आगे आप किन्नरों का समर्थन भी देख सकते हैं राकेश टिकैत के साथ। और गिरफ्तारी से पहले किन्नरों का समर्थन राकेश टिकैत को दिया जा रहा है और खुले रूप से चेतावनी सरकार और प्रशासन को कि जब तक न्याय नहीं तब तक गिरफ्तारी नहीं। तो इस तरह के चित्र अब इस पहलवानों के आंदोलन से आने लगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिसको किसान संगठनों का समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। डिटेन होने की पोजीशन आ चुकी है, डिटेन बहुत जल्द किया जा सकता है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को। और स्थिति गुत्थम गुत्था की पहुंच गई है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिल्ली पुलिस और किसान समर्थक आपस में उलझे हुए हैं और ये दिल्ली कूच की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस के जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। आप ये देखिए, ये प्रतीकात्मक अभी शुरुआत में जो समझ में आ रहा है, एक तरह से प्रतीकात्मक प्रदर्शन है अभी कि किसान और पुलिस दोनों आमने सामने हैं। एक रूप में प्रतीकात्मक अभी तक चल रहा है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि ये संध्या तक का आंदोलन है या इस आंदोलन की सुबह होगी।